हेलो फ्रेंड, हम लोग हैं अभी नखलऊ के पार्क में, जू में। मैं पहले ही पैदल तो शूट कर चुका हूँ पूरा, और अब मैं सोच रहा हूँ कि ट्रेन से एक शूट कर लिया जाए, इसका वीडियो एक ट्रेन का अलग से डाला जाए। वैसे मैं स्टेप बाय स्टेप एक ब्लॉग में और कर दिया हूँ, मैं बैठ के शूट करता हूँ इसको, एक अलग तरीके से डालेंगे पूरे ब्लॉग को। इसको आप इन्जॉय कीजिए, ये पूरा ब्लॉग ट्रेन वाला होने वाला है, इसमें बैठ के पूरे जू की सवारी की जाएगी। ठीक है, तो फिर चलते हैं बिना किसी देरी के और करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट, और लेते हैं अपना टिकट। उसके बाद में यहाँ पर आएगी ट्रेन, उसके बाद में चलते हैं बैठ के, फिर करते हैं अपना काम। यहाँ पर मिलते हैं ट्रेन की टिकट। फ्रेंड, ये टिकट हम लोग का 1200 पर 25 रुपये का है, और बाकी 12 साल तक के लिए 15 रुपये का। ठीक है, अभी ये फुल है, ट्रेन अभी आएगी लौट के, फिर लेते हैं टिकट, फिर करते हैं कंटिन्यू। फाइनली गाइस, ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग जा रहे हैं घूमने आगे, देखते हैं। अभी तो धीरे धीरे स्टार्ट हो रही, इसके साथ में पूरी सवारी हमको देखने को मिलने वाली है, क्या क्या यहाँ पे है, क्या क्या नहीं है। सबसे पहले हम लोग को सामने दिखने टर्नल एक दिख रहा है छोटा सा, उसमें से होके जाएगी ट्रेन। चलते हैं फिर आगे, अभी देखते हैं फिर और आपको बताते हैं जो जो यहाँ से दिखता है उसके बारे में। ठीक है, हम लोग का आगे छोटा सा टर्नल है एक, बस इसके अंदर से ट्रेन निकल रही है। बाकी में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है इस पर बैठ के थोड़ा थोड़ा। ये जो सामने बना हुआ है फ्रेंड, इसके अंदर सामने यहाँ पे रहते हैं हिरन कुछ, और आगे बना हुआ है ये सामने को जो तालाब दिख रहा है, इसमें है मगरमच्छ। आपको मगरमच्छ बहुत सारे इसमें हैं, कम से कम 1800 से 1900 मगरमच्छ मैंने काउंट किए थे जब मैं पैदल जू की सवारी कर रहा था तब। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें भी मगरमच्छ पाले गए हैं बहुत सारे। इसमें वाइट टाइगर, जिसके लिए जू जाना जाता है, इसके अंदर वाइट टाइगर वो दूर देखी है, लेकिन वहाँ से इतना दूर से कवर नहीं हो पाएगा। खड़े होकर जब लोग घूमते हैं तो उन्हें दिखता है पास में से। ये है आपका जो है भालू वाला, इसके अंदर गैलरी में भालू है। और आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ और मिलता है तो आपको दिखाते हैं। बराबर से वैसे निकलने वाली तो है ही ट्रेन, बाकी हम लोग आ गए इधर। ये एरोप्लेन जो आप देख सकते हैं, इस वायुयान का नाम है TU-124 राजहंस। इसको 1981 में उड़ान के लिए इसको रखा गया था, इसका समथिंग ये मुख्यमंत्री राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के यूज़ में लाया गया है। ये 1984 में ये यहाँ नखलऊ लाया गया था, 1984 से ये यहीं पे खड़ा हुआ है यहीं पे। इसकी लंबाई 105 फीट के करीब है, चौड़ाई 83 फीट और ऊंचाई इसकी 30 फीट के करीब है। ये मैंने पढ़ा था जब मैं वहाँ गया था, तभी जिराफ वाला ये बना हुआ है एरिया पूरा, ये सब देख सकते हैं। ये कैंटीन बनी हुई खाने के लिए, लोग यहाँ पर खाना वाना खा रहे हैं, और सामने ये ट्रेन हमारी यहाँ से निकल रही है। पूरी सवारी हम करने वाले, इससे आपको पूरा जू दिख जाएगा, पूरे जू के अंदर ये रेलवे ट्रैक बिछा हुआ है। रेलवे ट्रैक से हम लोग घूमने निकले हैं, सब लोग ये देखिए सब एंजॉय कर रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं ये तालाब है, इसमें मच्छी वो है हंस जो दिख रहे हैं सामने, वाइट वाले दिख रहे थे। अभी हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं ये पूरा जू की सवारी का मज़ा लेते हैं। इसमें वाकई में बहुत मज़ा, आप कभी भी आइएगा तो जू में ये ट्रेन की सवारी ज़रूर करिएगा फ्रेंड, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है और आप बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं यहाँ पर। इसके साथ में हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं इधर ये क्या क्या बना हुआ है। ये टॉयलेट है आपके लिए जो भी आप यूज़ करना है। इसके अंदर बहुत सारी सुविधाएं, जब मैं पैदल घूम रहा था इसमें आपको बहुत जगह आरओ लगा हुआ है, आप पानी पी सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ये सामने जो आप देख रहे हैं, इसमें अंदर गिद्ध और चील बहुत बड़ी बड़ी इसमें देखने को मिलेंगी। ये सब पैदल में मैंने आपको देखा था, बस दूर से आपको एक राउंड में दिखा दे रहे कि ट्रेन क्या क्या कहाँ कहाँ से दिखाती है। ये बंदर वाला है, ये जिसमें बंदर पैक हैं और घूमते रहते हैं, चिंपैंजी वैसे वाले भी हैं, ब्लैक वाले भी और नॉर्मल वाले भी हैं। ये सामने देख सकते हैं हिरन है, ये देखिए सामने लोग ये देख रहे हैं। और ये पूरा एरिया जो है हिरनों का है, यहाँ कम से कम 4 से 5 कट ऑफ में हिरन को रखा गया है। ये देखिए आप देख सकते हैं, इस साइड में चिंपैंजी रहते हैं इधर भी। ये एरिया काफ़ी जगह ये ट्रेन जाती नहीं है, ये जिधर म्यूज़ियम और बहुत कुछ बना हुआ है, देखिए कितने सारे हिरन बैठे हुए हैं, बहुत जगह ये नहीं जाती है। फिलहाल अगर पैदल आप घूमेंगे तो कम से कम 3 से 4 घंटे का आपको टाइम लगने वाला है, इससे पहले तो जू आप कंप्लीट कर पाएँ ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, क्योंकि मैं ही घूमते घूमते थक गया था। इसमें बहुत बड़ा जू है, नॉर्मल नहीं है ये, इसमें बहुत सारी चीज़ें, और थक जाओगे भाई आप आराम कर करके, कम से कम 5-6 घंटे में इसको कवर कर पाओगे तभी सारी चीज़ें संभव हैं। आप सुबह से लग जाइए, 1-2 तो आपको बच जाएगा आराम से, क्योंकि मुझे ही 12:30 बज गए थे, सुबह 8 बजे का आया हुआ था। ये सामने देख सकते हैं, ये नॉर्मल घूम के ट्रेन हमारी वहीं पे आ चुकी है,
वापस में हम लोग देखिए सामने ये बना हुआ जहाँ से हम लोग गए थे, बस पहुँचने वाली वहीं पे लौट के हम लोग आने वाले हैं अपने जहाँ से बैठे थे, सवारी हमने करी थी जो हमने आपको दे। तो फ्रेंड कैसी लगी आपको सवारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।